शिव वह शक्ति है जो अनंत में व्याप्त है, वह सत्य है जो कण कण में विद्यमान है। शिव आदि है, शिव अंत है और अनंत में वही समान है। नमस्कार, मैं ज्योति पंत और आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। धर्माचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज धर्माचार में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पवित्र महीने की जो बेहद खास है। हिंदू धर्म में इसकी अलग ही मान्यता है। सावन और शिव, सावन और शिव का बहुत गहरा रिश्ता है। सावन और शिव एक दूसरे से संबंधित है। क्यों है सावन और शिव का ये रिश्ता इतना खास, आइए जानते हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट। श्रावण के महीने को भगवान शिव का प्रिय मास माना जाता है। यही कारण है कि इस महीने में महादेव की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु सामर्थ्य अनुसार व्रत, उपवास, पूजन, अभिषेक आदि करते हैं। इस माह में की गई उपासना का विशेष फल भक्तों को प्राप्त होता है। भगवान शिव को सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है, इसे लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है जिसमें सनत कुमारों द्वारा भगवान शिव से सावन माह के प्रिय होने का कारण पूछा तो भगवान शिव ने इसका उत्तर दिया। कहा कि जब देवी सती अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति द्वारा अपने देह का त्याग किया था, उससे पहल देवी सती ने महादेव को प्रत्येक जन्म में पति के रूप में पानी का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने राजा हिमांचल और रानी मैना के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती के रूप में देवी ने अपनी युवावस्था में सावन के महीने में अन्न जल त्याग कर निराहार रहकर कठोर व्रत किया था। माँ पार्वती के इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया। तभी से भगवान महादेव सावन का महीना अति प्रिय मानते हैं। इसके अलावा सावन मास के लिए यह भी मान्यता है कि भगवान शिव सावन के महीने में धरती पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे, जहां उनका स्वागत अर्घ्य देकर जलाभिषेक द्वारा किया गया। अतः माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपने ससुराल जाते हैं, इसलिए भक्तगण इस महीने में उनकी भक्ति में लीन रहते हैं जिससे शिव की कृपा प्राप्त हो सके। सावन माह को शिव भक्ति के लिए उत्तम माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार श्रावण या सावन मास में भगवान शिव को पूजने से कई प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव के बारे में बोला जाता है कि वो आज भी विद्यमान है, आज भी सब जगह व्याप्त है, वही सर्वोपरि है। ब्रह्मांड से परे जो भी चीज है, सब कुछ उन्हीं में व्याप्त है। वही इस सृष्टि को चलायमान बनाए हुए हैं और सावन का यह महीना इसे और पवित्र बना देता है। सावन का ये महीना शिव के साथ जुड़कर सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन सावन मास में हुआ था। इस मंथन से विष निकला तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने विष को कंठ में धारण कर लिया। विष की वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। विष का प्रभाव कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को जल अर्पित किया, जिससे उन्हें राहत मिली और वो प्रसन्न हुए। तभी से हर वर्ष सावन मास में भगवान शिव को जल अर्पित करने या उनका जलाभिषेक करने की परंपरा चल गई। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इस माह में सोमवार को व्रत करने से जीवन में आने वाली दिक्कतें दूर होती हैं, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। मार्कंडेय ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जी अपनी लंबी उम्र को प्राप्त करने के लिए सावन के महीने में शिव की उपासना की और कहा जाता है कि उन्हें लंबी उम्र का वरदान प्राप्त हुआ। इन्हें इतनी शक्तियाँ प्राप्त हुई कि यमराज भी इनके आगे नतमस्तक हो गए। और क्या है सावन के महीने में शिव की कथा, आइए जानते हैं हमारी एक और रिपोर्ट। भगवान शिव के चार प्रमुख आयुध हैं, जिनमें त्रिशूल, डमरू, मृग और परशु हैं। इसमें त्रिशूल त्रिगुण का प्रतीक है, डमरू ब्रह्म का प्रतीक है, भगवान शिव का नाम मृगधर है, मृगदेव हैं, जिसे वे कभी अपने हाथ से अलग नहीं करते, हमेशा इनकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। परिवार की सुख समृद्धि और सौभाग्य के लिए
पवित्र सावन मास में शिव साधक ऐश्वर्य लक्ष्मी यंत्र को स्थापित कर कई बार जाप करते हैं ताकि उनकी मनोकामना की सिद्धि की जाए। सही मायने में देखें तो सारी सृष्टि भगवान शिव में समाई हुई है। मंदिरों में भगवान शिव की सबसे अधिक पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। ऐसे में श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करके अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है, क्योंकि शिवलिंग भगवान शिव की सृजनात्मक शक्ति का परिचायक है। हर हाल में खुश रहने वाले भगवान शिव अपने भक्तों से भी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव की कृपा से उनके भक्तों को कभी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। धर्माचार में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होते हैं एक नई संस्कृति को लेकर, एक नई पर्व को लेकर। तब तक के लिए मैं ज्योति पंत आपसे इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।